ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नेशनाथ जी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए 10 ऐसे मंत्र लेकर आए हैं जिनको यदि आप अपने जीवन में उतार लो तो मित्रों आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मित्रों आपको चारों पदार्थ करतल होंगे, संतान सुख, भूमि सुख, सब कुछ इनसे प्राप्त होगा, अच्छी सेहत भी आपको इससे प्राप्त होगी। तो मित्रों आइए जानते हैं उन प्रयोगों के बारे में। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि मित्रों मंत्र जाप करने के कुछ नियम होते हैं, ऐसे में यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में ना केवल सुख शांति आएगी बल्कि आपको अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखें कि मंत्र आस्था से जुड़े होते हैं, मंत्र आंतरिक जगत के प्रतीक हैं, मंत्र मन की शक्ति से काम करते हैं और यदि आपका मन इन मंत्रों को स्वीकार करता है तो इन्हें अवश्य ही जपें। मित्रों विज्ञान के सारे आविष्कार, आप जितने भी आज अपने आंखों से देख रहे हैं या जितने भी आपने सुने हैं, ये सब हमारे ऋषियों की ही देन है। महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि संजय हजारों कोस दूर बैठकर महाभारत का पूरा दृश्य देख भी रहा था और सुन भी रहा था। तो आज की ये वीडियो कॉलिंग या मोबाइल फोन इसी की ही देन है। उस चीज को खोजते खोजते आज आप वीडियो कॉलिंग और मोबाइल की कॉल कर रहे हैं। रावण के पुष्कर विमान की खोज में हवाई जहाज का निर्माण हुआ। मित्रों हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की थी, जो आविष्कार किए थे, वो कल्पना नहीं थी। उनके किए हुए आविष्कारों को खोजते खोजते ही आज आविष्कार हो रहे हैं। मित्रों सबसे पहले सर्जन अर्थात ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर हुए हैं वह भी हमारे भारत के भगवान शिव हुए हैं। भगवान शिव ने सर्वप्रथम अपने ससुर दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया जो आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं लगा पाया, और उसके उपरांत भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी के सिर पर गज का सिर लगाया। मित्रों ऐसे अनेक उदाहरण हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं, यदि हम उनकी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो का लाभ उठाने के लिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको प्रत्येक बात समझ आ सके और आप उसका लाभ उठा सके। मित्रों वीडियो में दिए जा रहे 10 मंत्र हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रदान कर देंगे। यदि आप इन 10 मंत्र यानी जो सुबह आँख खोलने से रात को सोने तक के हैं, इनको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हो तो मित्रों हमारी गारंटी है कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपको भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान होंगे।
इन मंत्रों के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि मित्रों, यदि आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं और यदि आप हमारे ऋषियों द्वारा तथा साधकों द्वारा की गई सच्ची साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तथा ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र की जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं और आयुर्वेद भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको सत्य व प्रमाणित साधनाएं ही प्रदान करते हैं। मित्रों, हमारे चैनल के अतिरिक्त आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज शिव वैदिक ज्योतिष विज्ञान को लाइक कर और फॉलो कर भी देख सकते हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप उसे देखकर लाभ भी उठा सकें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज के वे अनमोल बेशकीमती मंत्र जो हमारे ऋषियों ने हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किए हैं। सबसे पहले सुबह आँख खुलते ही आपको जो मंत्र जाप करना है वह इस प्रकार से है। अपने आँख खुलते ही सबसे पहले अपनी हथेली को देखें और हथेली के मध्य में देखते हुए इन मंत्रों का जाप करें 3 बार। मंत्र इस प्रकार से हैं, कर गए वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दशना। आपको इस प्रकार से ध्यान करना है कि आपकी उंगलियों में भगवती लक्ष्मी जी का वास है और मध्य में भगवती सरस्वती का और हाथ के मूल अर्थात हाथ की जड़ में भगवान गोविंद जी का वास है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए दोनों हाथों का चुम्बन लेकर अपने मस्तक पर फेरें। मित्रों, समय थोड़ा जरूर लगता है लेकिन चमत्कार ऐसा होगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपना कर देखें। सुनने से या देखने से लाभ प्राप्त नहीं होता, लाभ प्राप्त तब होता है जब आप कर्म करते हैं। तो मित्रों, कर देखें और उसके बाद अपने अनुभव भी अवश्य शेयर करें। उसके उपरांत आपको दूसरा कार्य जो करना है, दूसरा मंत्र जो करना है, आपको धरती पर पांव रखने से पहले अपना सीधा हाथ धरती पर लगाएं और इस मंत्र का जाप करें। समुद्र वासने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्य पद स्पर्शम क्षमा सवेन। इस मंत्र का जाप कर आप अपना पांव भूमि पर लगा सकते हैं और यदि इसमें आप थोड़ा सा और परिश्रम कर लें, आप देखें कि आपकी कौन सी श्वास चल रही है। यदि जो श्वास नाक की जिस तरफ से आपका श्वास चल रहा है वह पांव आप धरती पर लगाएं तो आपका पूरा दिन सुख शांति से व्यतीत होगा और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। बेड से उठने के बाद अगला कार्य होता है मंजन करना अर्थात ब्रश करना। तो ब्रश करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। आयु बलम यशो वाचा पचा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञम च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पते। इस मंत्र को जाप करें दातुन करते हैं। नहाने से पहले मित्रों, तीर्थों का स्नान कोटि जन्मों के पापों को धोकर सुख और समृद्धि प्रदान करता है, लेकिन
ये संभव नहीं कि हर व्यक्ति हर रोज तीर्थों पर जा सके। तो मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे मंत्रों की रचना की जिससे आप घर में ही स्नान करके तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त कर सके। तो स्नान करते समय आप इस मंत्र का जाप करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु च कावेरी जले चास्मिन् च सन्निधिं करु। इस मंत्र का जाप आप स्नान करते हुए करें, आपको तीर्थों का फल प्राप्त होगा। सूर्य को अर्घ देते समय आप इस मंत्र का जाप करके सूर्य को अर्घ दें। देखिए भगवान सूर्य नारायण आप पर किस प्रकार से कृपा करते हैं। सूर्य नारायण की कृपा से यश, राजनीति में लाभ और सरकार से भी, सरकारी पक्ष से भी लाभ होता है और पिता का सुख भी प्राप्त होता है और साथ में तेज बढ़ता है और नेत्रों की रोग भी दूर होते हैं। भगवान सूर्य को जल देते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्याय प्रचोदयात्। पूजा के उपरांत हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम सह नरवतु च सह नोच भनुक्तु भुनक्तु च सह च निवीर्या च कर्वेह च तेजस्वी च नवधीतं च मस्तु च महाविश विद्वह विश्वहे। ओम शांति शांति। फिर हाथ जोड़कर भोजन को माता पार्वती का ध्यान करते हुए ये मंत्र पढ़ें, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्भे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा मे देही च पार्वती च। पार्वती जी के ध्यान के बाद आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा च ऋच ब्रह्माग्निहो च ब्रह्मण चौतम च ब्रह्मण मे वहते न च गंत्वहम च ब्रह्म कर्मम च समिधिना। अर्थात के सब कुछ ही ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म, खिलाने वाला भी ब्रह्म और खाने की वस्तु भी ब्रह्म, ब्रह्म का ब्रह्म को ही अर्पित है। इस मंत्र का यदि आप जाप कर भोजन खाएंगे तो आपका प्रत्येक ग्रास ब्रह्मा को अर्पित होगा और एक आपका भोजन आपके लिए एक तप और अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला सिद्ध होगा। मित्रों, सुनने से या देखने से लाभ नहीं होगा, लाभ होगा करने से। करके देखिए और अपने अनुभव अवश्य ही शेयर करें। उसके बाद सातवां मंत्र है मित्रों, आपने भोजन कर लिया, अब भोजन को पचाने के लिए भी हमारे ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है। जिन व्यक्तियों को पाचन संबंधी समस्या है उनके लिए ये मंत्र हमारे ऋषियों का वरदान है। इस मंत्र को जाप कर आप अपने पेट पर हाथ फेरें, ओम अगस्त अगस्तम च कुंभकर्णम च शनि च वाडनालम भोजनम परिकाशम च समृते भीम च पंचमे च अनाद भवन्ति च भूतानि च उनर्च यदि संभवम यज्ञ च भवति पूर्वजनो यज्ञ कर्मम च समुद्भव। इस मंत्र का जाप कर आप अपने पेट पर हाथ फेर दें, आपकी पाचन संबंधी समस्याओं का अंत होगा और आपका भोजन आपके लिए अमृत के समान सिद्ध होगा। इसके उपरांत हम अपना दैनिक कार्य शुरू करते हैं, विद्यार्थी लोक विद्या, व्यापारी लोक व्यापार और नौकरी पेशा अपनी नौकरी का कार्य शुरू करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आप किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले भगवान से ब्रह्मा जी को
और सरस्वती जी को प्रणाम कर कर इस मंत्र का जाप कर कर अपना दैनिक कार्य शुरू करें। ओम श्री सरस्वती शुक्ल वर्णम समितहम आम च सुमेनरम च कोटि चंद्र प्रभा मुख मुष्टक कोष्टक श्री युक्तम विश्री विग्रह। इस मंत्र का जाप कर कर माँ सरस्वती को प्रणाम करें। शाम के समय संध्या वंदना करते हुए धूप दीप करते हुए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, रात को चैन की नींद लेने के लिए और अशुभ सपनों के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए और उन व्यक्तियों को जिनको नींद की दवा लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती, उनके लिए ये मंत्र अमृत के समान है। मित्रों, चैन की नींद लेने के लिए ये मंत्र आपके लिए हमारे ऋषियों की अनमोल धरोहर है, उनका एक वरदान है। आपको रात के सोते समय इस मंत्र का जाप करना है। आयुतम केशम विष्णुम हरिम च सोमम जनार्दनम च हंस नारायणम कृष्ण जपते दुख संपन्न दुख स्वपन च नाशते है। मित्रों, इतना था ये प्रयोग है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मित्रों यदि आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तो क्या क्या लाभ होते हैं ये आप करेंगे तो आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हरगिज ना भूलें। मित्रों, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। मित्रों, हम आपको यहाँ एक और विशेष बात बताना चाहते हैं कि मित्रों, दीपावली आ रही है और हर एक की इच्छा होती है कि दीपावली पर भगवती महालक्ष्मी आपके घर में आए, आपके जीवन में आए, आपके कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति प्रदान करे। तो इसके लिए हम एक अपनी अनुभूत साधना लेकर आए हैं। जो व्यक्ति या जो भी दर्शक ये साधना करना चाहते हैं वह हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, लेकिन हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि फालतू के कमेंट कर कर अपना और हमारा समय ना बर्बाद करें। जिन्हें विश्वास हो वही फ़ोन करें। ये साधना पेड होगी, फ्री नहीं होगी, लेकिन इसका चमत्कार आपको प्रत्यक्ष प्राप्त होगा, ऐसी हमारी पूरी गारंटी है। यदि आप बताए गए नियमानुसार करोगे तो हो सकता है कि भगवती आपको साक्षात दर्शन भी दें। दर्शन नहीं भी होते तो भी आपको पूर्ण अनुभूति अवश्य होगी 101%। और यदि कोई भी दर्शक या कोई भी साधक भगवती लक्ष्मी की अनुकंप कृपा प्राप्त करने के लिए ये साधना करना चाहे तो वह हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है या हमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में फ़ोन कर सकता है। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।